पलवशा आप बताइए ये कौन सी डील है क्या मुलाकातें हुई क्या मांगा गया कुछ रोशनी डाल सकती हैं देखिए मैं तो यही रोशनी डाल सकती हूँ कि ये बिल्ले के ख्वाब में छीछड़े आते ही रहते हैं ये उसी की एक कड़ी है यानी खुद डील करो तो वह एन नहीं है और दूसरे करें तो वह एन है मैं सबसे पहले तो आप ये पूछें नदीम मलिक साहब कि मीर जाफ़र मीर सादिक हलाकू ख़ान और यजीद और गद्दार उनसे आप क्या बात करने जा रहे हैं क्या लेने जाते हैं ये जो आपने तमाम इल्ज़ाम लगाए उन इल्ज़ाम पे अगर आप आज भी खड़े हैं तो फिर आप उन लोगों से क्या मांगने जा रहे हैं वो लोग तो गद्दार हैं वो तो मीर जाफ़र सादिक हैं आप तो हकीकी आज़ादी और हकीकी आज़ादी हमें अब किससे किससे आवाम लेगी जिन जिन के पास ताकत है वाह तो आप सजदा रेज हैं तो हकीकी आज़ादी किससे आप हासिल करना चाह रहे हैं ये बड़े ये मार्च में जो पूरे पाकिस्तान के अवाम को ये कह रहे हैं उकसा रहे हैं कि आप आए और इसको कभी जहाद का नाम देते हैं उसको कभी दीन के नाम पर जो इनका काम है ब्लैकमेल करते हैं फिर कभी आप उसमें सियासी आप उसमें वो डालते हैं अपना मसाला कि ये हकीकी आज़ादी है आप इनसे पूछिए किस से हर एक के साथ तो आप बैठ के बात कर रहे हैं तो आपके है। ख्याल में कोई डील नहीं है कोई ऑप्शन नहीं देखिए मुझे तो ये समझ नहीं आती कि क्या ऐसी क्या मुसीबत पड़ गई है इस मुल्क की इस्टेबलिशमेंट को क्या ऐसी मुश्किल आन पड़ी है कि जिसमें खान साहब की क्यादत के बग़ैर इस मुल्क का दिफा जो है वो मुमकिन नहीं ऐसी क्या इशू है ऐसी क्या चीज़ है जो खान साहब देंगे जिसके बग़ैर उनका जो है वो गुजारा नहीं हो रहा और ख़ान साहब से भी इसी तरह सवाल है कि खान साहब उनसे क्या मांग रहे हैं जिनको ख़ुद वो पब्लिकली जलीलो रसवा कर चुके हैं उनसे खान साहब क्या मांग रहे हैं और अगर उनकी ये बात अगर डील वाली बात मान ली जाए तो फिर वो चौकीदार जो घर की हिफाजत ना कर सका वो बात तो झूठ थी वो बात जो आपने पूरे पाकिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया वो आइन की वैसे ही खिलाफ वर्जी थी लेकिन अगर आप बात हम मान भी लेते कि आपके साथ जाती अब आप वहां क्या लेने जा रहे हैं इसका मतलब है आप झूठे हैं दो मुलाकातें हुई दोनों नतीजा खेज नहीं, नहीं ये भी पता करना चाहिए ना जाके गेट पर चौकीदार से मिलकर वापस आई जिनको टारगेट कर रहे थे